भारत के दो विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले और देश के सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक गौतम गंभीर ने बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। संन्यास की घोषणा करते हुए गौती भावुक हो गए थे और कहा, अब सफ़र खत्म हो गया। गौती का कर्कश शोर उनके खेल जारी रखने की इच्छा पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। बता दें कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। जाते जाते गंभीर ने MS धोनी के साथ अपने संबंधों पर भी सफाई दी। भारतीय क्रिकेट जगत में ये लंबे समय से माना जाता रहा है कि गंभीर और धोनी के बीच मतभेद रहते। लोग ये भी मानते हैं कि गंभीर का टीम इंडिया में टिकट उनके धोनी के साथ विवाद की वजह से कटा था। ऐसे में अब क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद गंभीर ने एक इंटरव्यू में धोनी के साथ अपने संबंधों पर सफाई देते हुए कहा कि उनका महेंद्र सिंह धोनी के साथ कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन गंभीर को इस बात का अफसोस आज भी है कि उन्हें साल 2015 के विश्व कप के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। गंभीर ने कहा, मुझे टाइटल डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा, मेरे साथ खेलने वाले कई खिलाड़ियों को 2 से 3 बार वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, लेकिन मुझे केवल 1 बार मौका मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं विश्व विजेता टीम का सदस्य बना। अगर आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में योगदान देते हैं तो आपको अपना खिताब बचाने का एक मौका मिलना चाहिए। मुझे 2015 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला और उसका मुझे अफसोस है। गौतम गंभीर के संन्यास लेने के बाद अब क्रिकेट गलियारे में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि उनके बाद अब कौन कौन भारतीय खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। एक नज़र डालते हैं कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों पर। हरभजन सिंह को अगर भारतीय क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर बताया जाए तो गलत नहीं होगा। महज 18 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए पहला टेस्ट खेलने वाले भज्जी ने आखिरी बार 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद अब भज्जी घरेलू क्रिकेट में भी कम ही नज़र आते हैं। महज IPL के प्रदर्शन के दम पर टीम में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये असंभव है। ये बात वे भली भांति जानते हैं। मैदान के बजाय आजकल कमेंट्री करते नजर आने वाले भारतीय टीम का यह टर्मिनेटर अगर संन्यास की घोषणा करता है तो किसी के लिए हैरानी नहीं होगी। इस फेहरिस्त में अगला नाम किसी ज़माने में दिग्गज कपिल देव का उत्तराधिकारी समझे जाने वाले इरफान पठान का है। चोट और लगातार फिटनेस समस्याओं के चलते इस खिलाड़ी का करियर समय से पहले ही समाप्त हो गया। 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक हैट्रिक, फिर 2008 में पर्थ की विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने चमकदार खेल से सभी को प्रभावित करने वाले इरफान 2007 में T20 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे थे। 2012 में आखिरी बार भारतीय जर्सी में नजर आने वाले इस खिलाड़ी को पिछले साल IPL में कोई खरीदार तक नहीं मिला था। अब वे कमेंट्रेटर के रूप में नजर आते हैं। गंभीर की तरह युवराज सिंह ने 2007 वर्ल्ड T20 और 2011 वनडे विश्व कप में टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से UV का बल्ला पूरी तरह शांत पड़ चुका है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से गुजरने के बाद फिटनेस UV की बड़ी समस्या रही। रणजी और विजय हजारे जैसे टूर्नामेंट में भी सिक्सर किंग रन के लिए तरसते नजर आए। IPL के अगले सत्र के लिए किंग्स 11 पंजाब ने भी उन्हें टीम से रिलीज कर दिया है। उनके 2019 विश्व कप में खेलने की संभावना भी न के बराबर है। 12 दिसंबर को 37 साल के होने जा रहे युवराज सिंह भी अगर गंभीर की तरह जल्द संन्यास की घोषणा कर दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। IPL में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए पिछले साल भारतीय चयनकर्ताओं ने रैना को टीम इंडिया में वापसी कराई, मगर वे इस सुनहरे अवसर को भुनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। नतीजतन उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर होना पड़ा। अब घरेलू क्रिकेट में भी ये खब्बू बल्लेबाज कुछ खास करने में नाकामयाब ही साबित हो रहा है, लिहाजा उनकी वापसी भी टीम इंडिया में मुश्किल लग रही है। यही वजह है कि हमने उन्हें इस फेहरिस्त में शामिल किया है। पर साथ ही साथ उनके लिए अच्छी बात यह है कि दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में उनकी उम्र कम है और हो सकता है इस वजह से रैना अभी संन्यास लेने का फैसला ना करें। 36 वर्षीय अमित मिश्रा के साथ शायद किस्मत ने भी नया नहीं किया। प्रतिभा के धनी मिश्रा को जब भी टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला है उन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, लेकिन इससे सहयोग ही कहा जाएगा कि जब वे युवा थे तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले के रहते हुए उन्हें नियमित तौर पर टीम में जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद आर अश्विन की आंधी और रविंद्र जडेजा के जादू के बीच मिश्रा जी का मैजिक वो चमक नहीं बिखेर पाया।
अब जब वो 36 बसंत पार कर गए हैं तो टीम में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के तौर पर बेहतरीन युवा फिरकी का विकल्प मिल चुका है। अमित मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट मैचों में 76 विकेट जबकि 36 वनडे में 64 विकेट झटक चुके हैं। T20 इंटरनेशनल में भी 15 की बेहतरीन औसत से 10 मैचों में 16 विकेट हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।